एक मुख्यमंत्री के घर में तीन घटना हुई। 80 साल उनका पुराना घर था, पीडब्ल्यूडी विभाग ने उसको तोड़ के बनाया, 30 करोड़ की लागत में वो घर बना। उसके ऊपर कल से चर्चा किए जा रहे हैं, बीजेपी वाले चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं। तो जरा अपने लाल साहब से भी तो पूछिए, आप 15 करोड़ रुपए तो उनके घर के मरम्मत में खर्च हुआ, 15 करोड़ रुपए मरम्मत में, नया घर बनाने में नहीं। मुख्यमंत्री का तो नया घर बना, एलजी के तो मरम्मत में 15 करोड़ खर्च हुआ। चलो उससे आगे निकल जाओ, आप प्रधानमंत्री के घर के रिनोवेशन में 90 करोड़ रुपए खर्च हुआ, उससे भी आगे निकल जाओ आप, 500 करोड़ रुपए का हमारे देश के फकीर, हमारे देश के झोला छाप फकीर प्रधानमंत्री, जिसको अपने आप को कहते हैं मैं झोला छाप प्रधानमंत्री हूं, उनका जो घर बन रहा है वो 500 करोड़ रुपए में बन रहा है। और उसके पहले उस विराट महल में जाने से पहले 90 करोड़ रुपए खाली घर के रिनोवेशन में खर्च हो रहा है। ये फैक्ट्स, इस पे बात करो, कितने लाख का चश्मा इस्तेमाल करते हैं, कितने लाख के पेन इस्तेमाल करते हैं, कितने लाख का सूट पहनते हैं, करो चर्चा। चर्चा करिए कि 12-12 करोड़ की कारें उनके काफिले में क्यों घूमती हैं, चर्चा करिए कि 8,500 करोड़ रुपए का जहाज उन्होंने क्यों खरीदा। और ये दोनों काम उस वक्त किए जब कोरोना की महामारी थी देश में, क्योंकि आज मैं वो ड्रामेबाज प्रवक्ता को सुन रहा था, कोरोना का जिक्र कर रहा था। अरे तुम्हारे प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री को जब चिंता होनी चाहिए थी शमशान में जल रही लाशों की, तो उस वक्त वो चुनाव की रैली कर रहे थे बंगाल में, कोरोना फैला रहे थे, भूल गए वो दिन। पीछे तक भाइयों बहनों भीड़ी भीड़ दिख रही है, वो लोग आज कोरोना पे बात करेंगे। दिल्ली की सरकार वो सरकार है जिसका स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जीवन मौत से बाहर निकला, लोगों की सेवा करते हुए गली गली अस्पताल अस्पताल मोहल्ले मोहल्ले घूम रहे थे। उनके पिता की मृत्यु हो गई, फिर भी दूसरे दिन वो लोगों की सेवा के लिए निकले थे। हमारे कार्यकर्ता गली गली में घूम घूम के सैनिटाइज कर रहे थे, मुख्यमंत्री जी लगातार लोगों की सेवा के लिए उपलब्ध थे। ड्रामे करना है, बात करना है,